वेलकम बैक हमारे साथ हैं मलिक नवीद खान सब आई जी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा हम उनसे बात कर रहे थे पुलिस के बारे में अब अब अगर मुराल और एजुकेशन की तरफ आएँ मलिक साहब मैंने आपसे ब्रेक से पहले मुख्तरसर ने पूछा था कि दुश्मन का उनको पता है कि कौन है आपने मुझे जवाब दिया कि उनका कभी कभी आवाम भी दुश्मन हो जाती है कभी वो दोस्त होते हैं हालाँकि वो अवाम में से ही हैं सर उनको ये पता है कि ये जो जंग हो रही है इसके असली पर्पट्रेटर्स कौन हैं या फिर जिस तरह हमारी फ़ौज के अंदर भी एक राय पाई जाती है कुछ जगहों पे कुछ लोअर एक्लॉन्स में कि जी ये जंग तो अमरीका की है या हमारे लोगों में पाई जाती है या हमारी मज़हबी जमातों में तौर पे इमरान खान साहब के पास भी अगर उसको मज़हबी जमात स्लैश नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी कह सकें कि जी ये अमरीका की जंग है ये सारे जो दहशतगर्दी है वो अमरीका की वजह से हमारी पुलिस के ऊपर ये बात वाजह है सर कि ख्वा अमरीका की वजह से हो लेकिन दहशत जो है वो हमारे इलाकों में से हमारे लोगों के खिलाफ हमारे ही लोग कर रहे हैं देखिए ये तो लोगों की परसप्शन हैं पुलिस में भी कुछ लोग एक सोचते होंगे कुछ लोग दूसरा सोचते होंगे कुछ कहते हैं कि ये हमारी जंग है कुछ कहते हैं हमारी जंग नहीं है कुछ कहते हैं ख़ास तबके की जंग है लेकिन बेसिकली वो तो इतने इन्वॉल्व हैं इस वॉर ऑन टेरर में कि मेरा ख्याल है उनको तो सोचने का मौका शायद कम ही मिलता है अगर मिल भी जाए तो इन बातों से उनको उनकी जो स्टेटस है उस पर फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहर हाल उन्होंने आ, काम करना है उन्होंने कुर्बानी देनी है और उन्होंने सुसाइड बॉम्बर्स का सामना करना है और उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इसके साथ साथ उसको कंट्रोल करना है तो ये बात इनके लिए इतनी रेलिवेंस नहीं रखती और हम कोशिश भी करते हैं कि मुराल बिल्डअप करते वक्त इनको ये बताएं कि जो हमारा अल्टीमेट काम है वो यही है कि हम आवाम uh, की प्रोटेक्शन करें और दहशत गर्दों को uh, निपटें और इनसे इफेक्टिवली uh, डील करें कानून की uh, कानूनी तौर पर मलिक साहब एक एक मुझे एक चीज़ जरा समझ आती है वो कुछ ऐसी ही कि खैबर पखतूनख्वा की पुलिस और खैबर पखतूनख्वा की फ्रंटियर कंस्टेबलरी और वहाँ पर काम करने वाली फ़ौज जो है वो फौज हमारी कन्वेशनल आर्मी उनके ये तालिबान के साथ मिक्स रिलेशन और ग्रे रिलेशन हो नहीं सकते क्योंकि उन्होंने दुश्मन को देखा है उन्होंने दुश्मन की कार्रवाइयाँ देखी हैं उन्होंने दुश्मन की हरकतें देखी हैं उन्होंने ख़ुदकुश हमले देखे हैं और उन्होंने जिस तरह वो दुश्मन इनकलकेट करते हैं एक हेटरेड अपने दहशत गर्दों के अंदर उन बच्चों के अंदर जिनको अगवा कर लिया जाता है ख़रीद लिया जाता है वो उन्होंने फ़र्स्ट हैंड देखा है लिहाजा उनके सर के अंदर ये डगमग होने की फिर गुंजाइश नहीं रहती क्या मैं सही कह रहा हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं Uh, किसी वक्त तक uh, मैं मैं ओपनली uh, ये बात एक्सेप्ट करूंगा कि 2006 तक uh, कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हुआ करती थी क्योंकि असली चेहरा जो था ये दहशत गर्दों ने ये नहीं दिखाया था असली चेहरा इन्होंने दिखाया uh, स्वात में जब इन्होंने मासूम लोगों को ज़बहर करना शुरू कि, किया मेरे एक uh, सिपाही थे uh, हाफिज़ नाम था वो थे भी कुरान के हाफिज़ पाँच वो के नमाजी उन्होंने उनको उसको आ, ए, एक वीडियो में उसकी फिल्म की आ, उसकी आ, उसका उसका बा करना और उसकी जो वीडियोस थी वो पुलिस वालों के घरों में इन्होंने भेजी जिससे काफ़ी जो है इफ़ेक्ट हुआ मोरल हमारी फोर्स का लेकिन जब पलड़ा भारी हुआ हमारा और हमने रिटेलिएट किया तो फिर यही फोर्स वो इस तरीके से उठी हमने कम्युनिटी पुलिस फोर्स इंट्रोड्यूस की जो कि एक मॉडल बन चुकी है आज बजट में भी आया कि इनको ज़म कर दिया गया है और रेगुलर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे लिए थे लोग कम्युनिटी में से जब हमने ऐलान किया तो हमारा ख्याल था कि कोई भी नहीं आएगा इस डर से कि ये तालिबान या जो दहशतगर्द हैं ये फिर आएंगे और बदला लेंगे लेकिन आप हैरान होंगे कि जहाँ पे सात हज़ार वेकेंसी थी हमारे पास कोई पैंतीस चालीस हज़ार लोग आए उन्हें कहा जी हम ज्वाइन करते हैं और हम लड़ेंगे तो ये जज्बा था लोगों को और आपकी बात बिल्कुल इससे कन्फर्म हो जाती है कि जो इन्होंने किया पुलिस फोर्स और लोगों के साथ उससे इनकी जो साख थी वो बिल्कुल मिट्टी में मिल गई और इनके ख़िलाफ़ जो है आ, लोगों की नफ़रत वो इंतहा की बढ़ गई और ये अप्लाई करता है फोर्सेस को भी Uh, मलिक साहब एक सवाल थोड़ा सिंपल सा मैं पूछना चाहूँगा गुड़ तालिबान बैड तालिबान की आज बात की जाती है हामिद करजई साहब जो हैं वो चूज़ कर रहे हैं कौन लोग जो हैं वो टेररिस्ट लिस्ट से अमेरिका उतार दे ताकि हम उनसे बात कर लें दस साल से ये जंग सॉल्व नहीं हुई है अगले सौ साल में भी नहीं होने वाली है अमेरिका ने तो अपनी स्टांस चेंज कर ली बीच में फंस गए हम लोग जिनके घरों के करीब हैं ये गुड़ तालिबान और ये बैड तालिबान सर हमारे यहाँ भी फिर एक अलग अलग एक मुख्तलिफ़ कस्म की आरा आती हैं सामने कुछ कहते हैं कि जी ये लोग एक अज़म के साथ लड़ रहे हैं जो हमारी मजहबी जमातें इस बात को आगे बढ़ाती हैं कि असली जो टेररिस्ट है वो अमरीका है और बाकी लोग कहते हैं कि जी अज़म एक तरफ लेकिन ये लोग पैसों के लिए एक इकानी एक चलाने के लिए या फिर एक सोच को तकवीत देने के लिए या इसलिए लड़ रहे हैं इसलिए इनको और कुछ करना नहीं आता मलिक साहब आपने देखे हैं दहशत गर्द आपने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं ये है क्या चीज़ ये तालिबान असल में जी ये बेसिकली uh, तो uh, जो यहाँ का सेटअप uh, है वो ओबियसली यहाँ लोकल नहीं है uh, ये अफग़ानिस्तान में तालिबान जो है वो नाइन्टीज़ uh, में उठे उन्होंने फिर काफ़ी वक्त हुकूमत भी की और अमेरिका ने आके इनको डिसलॉज किया uh, इसी दौरान uh, यहाँ पे जो कुछ लोग थे उन उनको यह ख्याल था कि एक ऐसी पोटेंट फोर्स हम भी यहाँ बनाएं लेकिन यहाँ डिसजॉइंटेड थे तो शुरू में तो कुछ इनकी आपस में आ, 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 यूनियन थी लेकिन बाद में ये लोग बड़े स्प्लिट कर गए और आज ये आ, हाल है कि मेरा ख्याल है कोई दस पंद्रह बीस मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन और छोटे ग्रुप्स इसके अलावा हैं जो कि ये दहशत गर्दी जो कि लूटमार और बैंक डकैतियाँ और एक्सटॉर्शन और किडनीपिंग रैनसम अगवा बर आगे हुए हैं अगवा बर तावान इनकी कोई आइडियोलॉजिकल जो है वो बेस नहीं है जो आइडियोलॉजिकल बेस जिनकी है और या जो हमें कुछ नहीं कह रहे तो वो तो हम हमें हमें इफ़ेक्ट नहीं कर रहे तो हम उन्हें गुड कहें या बैड कहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमें तो फ़र्क उन लोगों से पड़ता है जो हमें तकलीफ़ दे रहे हैं और वो है हमारे दुश्मन और हमारे मुल्क के दुश्मन है और हमने उनको टैकल करना है मलिक साहब ये आपने कभी उनके कोई सेफ हाउस रीड किया हो सर या किसी सेफ़ हाउस की आपको वज़ा खुद नहीं किया हो लेकिन आपके ज़माने में हुआ हो जिसके अंदर आपने इनके असली जो तरीक़ेकार हैं जो तरीक़ वारदात है वो आपने देखा हो या इनके जो अगवा किए हुए बच्चे हैं या जो बच्चे ये लोग खरीद के या कहीं से उनको वरगला के वो उनके सर में जो बोते हैं ये बात के जी दहशत आपके और खुदा के बीच में और जन्नत के बीच में रास्ता सिर्फ एक है बहुत मुख्तर है वो एक ख़ुदकुश हमला है आपने देखा है सर इनका तरीक़ा वारदात कभी फ़र्स्ट हैंड बेशुमार किस्से हैं आ, लेकिन एक तो अभी भी मैं आपको बताऊँ एक पाकिस्तान आर्म फोर्स एक प्रोग्राम चला रही है सबाउन के नाम से खैबर पख्तूनख्वा में और वहाँ पे तकरीबन डेढ़ दो सौ बच्चे हैं पच्चीस तीस को तो उन्होंने बाकायदा सुसाइड वामिंग के लिए ट्रेन कर रहे थे और बाकियों को वैसे ही दहशतगर्द बनाने के लिए और आप आज उन बच्चों को देखें एक डेढ़ दे, दो साल हो गए हैं उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट और केयर के अंदर साइकोलॉजिस्ट आए हुए हैं एन जी ओज़ वग़ैरह इन्वॉल्व हैं उन बच्चों की बिल्कुल शक्लें बदल गई हैं जब आए थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि उनकी जो दहशत थी जी मलिक साहब जब जी जी प्रोग्राम जी में पहुँचे थे वो तो वो उनको आ, इस प्रोग्राम में जब पहुँचे थे इस प्रोग्राम के बारे में मैंने भी पढ़ा है तफसील से ये जब पहुँचे थे तो इनका हाथ में जब पेंट करने के लिए उनको एक खाली कागज़ दे दिया था और थोड़ा सा रंग दे दिया था कि जी बनाओ आप क्या सोचते हो आपके ख्याल में क्या जो जो भी आपको पसंद आए बनाओ तो सब लोगों ने सिर्फ लाल इंक से खून से या तो बॉम्ब्स बनाए या बंदूकें बनाई और ये यही कुछ सोचती और इनको रिहेबिलटेट किया है डेढ़ साल में हमारी फ़ौज ने ये एक वाकई में एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट है कि रिहेबिलिटेट भी हो सकते हैं आ, मलिक साहब मैंने, मैंने जी जी मैं दूसरी जी सर जो इनकी दो जो बड़े टेक्निक्स जो मास्टर इन्होंने की हैं एक इसी से ताल्लुक खुदकश गर्द खुदकश बम्बार बना ट्रेन करना वो है ब्रेन वॉशिंग और इनकी टेक्निक्स ऐसी हैं कि इनका एक लीडर कहा करता था कि आप मुझे ग़ैर मुस्लिम भी दे दें और तीन महीने में मैं उसको न सिर्फ मुसलमान अपने तर्ज का बना दूंगा बल्कि उसको खुदकश बम्बार भी बना दूंगा तो जो एडवांस ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं वो इन्होंने एक्वायर किए हैं कहीं से और वो बड़ी आसानी से ये खासकर बच्चों को या उन लोगों को जो वलरेबल होते हैं उनको ये ब्रेन वॉश कर देते हैं दूसरी इनकी टनलिंग टेक्निक्स वो बड़ी इफ़ेक्टिव हैं और ये आई थी चूँकि उसमा भी इंजीनियर था और अफगानिस्तान में उन्होंने उससे तोरा बोरा में और कुछ और जगहों में टनल टनल्स वन बनाए थे तो ये चीज़ें इन्होंने बाजौड़ और स्वाद में भी रेप्लिकेट की दो दो किलोमीटर्स के लंबे टनल्स उसमें बाकायदा स्टूडियोज़ जहाँ पे ये अपने रिकॉर्ड किया करते थे वीडियोस वगैरह और वहाँ पे बाकायदा ऑपरेशन थिएटर्स बने हुए वहाँ पे जनरेटर्स का इंतजाम वहाँ पे वेंटिलेशन का इंतज़ाम तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड थे और इनका जो एक मेन ये थी दहशत फहरा के कम्यूनिटी को हॉस्टेज बनाना ये इनका ट्रीटमेंट थी जो कि एक टेक्निक थी जो कि खुशकस्मती से कामयाब नहीं हो सकी और लोग घबराए नहीं बल्कि लोगों ने उठ के और मुकाबला किया इनका सही मलिक साहब एक वफा लेते हैं सर उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये पुलिस फेलियर्स की फिर बात करते हैं खरोटाबाद की आपटाबाद की आब्डाबाद के अंदर एक एम्बेसडर साहब ने मुझसे कहा था कि जी सब छोड़ें आप पाक फौज छोड़े आप अमेरिकन आर्मी छोड़ें वो एस एच ओ कहाँ था जिसकी तहसील के अंदर एक आदमी छः साल से तीन बेगमात के साथ और काफ़ी सारे बच्चों के साथ रह रहा था इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक मेरे साथ है मलिक नवीद खान साहब सबक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर बैक विद यू आफ्टर ब्रेक